हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं टर्म टू का सिलेबस, और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी भी कोई वजह है। अभी हमने रिसेंटली हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट किया था, उस ट्रिग्नोमेट्री की सारी एप्लीकेशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जितना भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, उसका यूज हम किस तरह से अपनी रियल लाइफ में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन की जो हिंदी है उसको अच्छे से बनाना है। हिंदी बनाने के बाद आपको उसकी फिगर ड्रॉ करनी है। अगर आपने फिगर अच्छे से ड्रॉ कर ली तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, आपको एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिगर ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि मेन काम है हमारा फिगर ड्रॉ करने का। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, जैसे ये बोल रहे हैं एक टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। ये हम ग्राउंड बना लेते हैं नीचे, ये बन गया हमारा ग्राउंड। आगे देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर जो हमारा ए बी एक टावर है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी क्या है हमारा टावर है। टावर का जो फुट है उससे 15 मीटर दूर एक पॉइंट है। तो इससे 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। ये कितनी दूर है इससे, 15 मीटर। ठीक है, ये जो सी पॉइंट है ये टावर के फुट यानी कि बी पॉइंट से 15 मीटर दूर है। आगे पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि जो टावर का टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। अब मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बता दूं, कभी भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है नीचे से वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो देखिए, मैं सी पॉइंट से ऊपर की तरफ देखूंगा, ए पॉइंट की तरफ यानी कि टावर के टॉप की तरफ, तो सी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बेस से बनता है, यानी कि बी सी हमारा बेस हो जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अब हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर। अब हमें बतानी है इस टावर की हाइट, जिसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल एच। ठीक है, ये सभी बातें हमें लिखनी होंगी। लेट अस सपोज, लेट ए बी इज दी हाइट ऑफ दी टावर। मैंने क्या मान लिया, जो ए बी है वो टावर की हाइट है, इसको स्मॉल एच से भी लिख सकते हो। ठीक है, और सी इज दी पॉइंट। सी क्या है, सी एक पॉइंट है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम बी पॉइंट, जो बी पॉइंट से 15 मीटर दूर है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप एच लिख रहे हो, ये एच हाइपोटेन्यूस है या हाइट है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हाइपोटेन्यूस तो हमारा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एच नहीं लिखना, एच से कंफ्यूजन हो रही है, तो आप इसको एच ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे करते हैं, एच हटा ही देते हैं हम। किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, कोई कहता है कि सर एच हाइट होती है, कोई कहता है एच हाइपोटेनस होता है, तो एच लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, हम ए बी लिख लेंगे उसकी जगह। ठीक है ना, तो ए बी हो गई हाइट ऑफ द टावर, बी सी हो गया, सी पॉइंट तक का डिस्टेंस बी पॉइंट से, और एंगल 60 दिया हुआ है। देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या हमें फाइंड करना है, हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, और बी सी हमें दिया हुआ है। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे सामने आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आपने 8 चैप्टर में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा कितना होता है, पी अपॉन बी, और यहाँ पर थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, जिसको हम ए बी बोल रहे हैं। यहाँ पर ए बी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर लिख लो 15। टेन 60 डिग्री की वैल्यूज आपको आनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी लर्न कर सकते हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। तो 1060 की वैल्यू होती है √3,
यहाँ पर हम लिखेंगे रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन 15। ये 15 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15 रूट थ्री आ जाएगा हमारे ए बी की वैल्यू। तो मुझे पता लग गया मेरी हाइट ऑफ दी टावर कितनी है, ए बी कितना आया 15 रूट थ्री मीटर। तो हम लिखेंगे लास्ट में हाइट ऑफ दी टावर इज 15 रूट थ्री मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी तरीके से हम सभी एग्जाम्पल को करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर टू। देखिए इसमें कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। देखिए क्वेश्चन में फिगर बनी हुई नहीं आएगी, अगर एग्जाम्पल में आपको दे रखी है फिर भी आप ये मत समझना कि आपको एग्जाम में मिलेगी, ये फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी और खुद फिगर बनाने के बाद आपको सॉल्व करना होगा। तो देखो इसमें कह रहे हैं एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। तो मैंने एक पोल बना लिया जिसकी हाइट 5 मीटर, लिख लेते हैं इस पोल को नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, अब ये पढ़ रहे हैं आगे बोल रहे हैं शी नीड्स टू रीच द पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, यानी कि पोल का जो टॉप है इससे 1.3 मीटर नीचे, यहाँ पर आना है आपको, ये कितना है 1.3 मीटर नीचे आना है। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं, यहाँ पर फॉल्ट हुआ है सी पॉइंट पर, यहाँ पर रिपेयर वर्क होना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, अच्छा यहाँ पर लैडर भी यूज हो रही है, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, तो यहाँ पर सीढ़ी लगानी है दैट शी शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा इस लैडर को जो इन्होंने लगाया है उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि बेस पर लैडर को जो हमने लगाया हुआ है उसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो साथ के साथ हम 60 डिग्री भी बना लेते हैं, ये बन गया हमारा 60 डिग्री एंगल। अब आपको क्या पूछ रहे हैं कि वॉट एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। सबसे पहले तो आपको बताना है लेंथ ऑफ द लैडर, ये जो आपने लैडर लगाई है सीडी लिख लेते हैं इसको, ठीक है सीडी की लेंथ बतानी है। उसके बाद आपको बताना है कि ये लैडर कितना दूर है, हाउ फार मतलब कितना दूर है पोल के फुट से, ये पोल है ए बी इसके फुट से लैडर कितना दूर है। क्वेश्चन को पढ़ो और हिंदी समझो उसकी क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के उसकी हिंदी बना ली तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये पूरा जो है ये 5 है, ए से लेके बी तक पूरा 5 है, जिसमें से ये ऊपर वाला पार्ट है 1.3, तो नीचे वाला कितना होगा, अगर मैं पूरे ए बी में से 1.3 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पर कर लेते हैं, हम यहीं पर लिख लेते हैं फिगर में 5 माइनस 1.3 कितना होगा 3.7 होगा, ये हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख के दिखाएंगे लेट दी लेंथ ऑफ दी लैडर, लैडर की लेंथ कितनी मान ली हमने सी डी, ठीक है, और पोल ऑफ हाइट, पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट हमने मान ली ए बी। क्लियर, तो यहां से हम क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि अगर हमें ए बी माइनस ए सी करें तो ए बी माइनस ए सी करने से क्या आएगा, ध्यान से देखो फिगर में, ए बी माइनस ए सी करने से बी सी आएगा। ठीक है, ए बी 5 है, 5 में से 1.3 को माइनस करेंगे तो बी सी आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने बी सी ही क्यों निकाला, इसमें बी सी इसलिए निकाला क्योंकि हम जो ट्राइंगल लेंगे अभी उस ट्राइंगल में हम जो फॉर्मूले लगाएंगे वो बी सी के लिए वैलिड होगा, उसमें ए बी थोड़ी आएगा ट्राइंगल में। ठीक है, तो ए बी नहीं आएगा तो इसलिए मैंने ए बी में से ऊपर वाला पार्ट माइनस कर दिया तो नीचे वाला पार्ट आ गया जो मेरे ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बी सी 3.7, ये चीजें हमें लिख के भी दिखानी होती है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो ये 3.7 मेरे पास आ चुका है, ये हो गया 3.7, यानी कि 60 डिग्री एंगल है ये, सामने जो होता है परपेंडिकुलर 3.7 है, हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है और बेस निकालना है, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हाइपोटेन्यूस निकालेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी ट्राइंगल में अगर मैं लिखूं साइन 60 डिग्री, अब बच्चों को समझ नहीं आता कि मैंने साइन 60 ही क्यों लिया, cos 60 क्यों नहीं लिया, tan 60 क्यों नहीं लिया, तो वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को पता है साइन 60 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसमें से मैं परपेंडिकुलर जानता हूँ, बीसी के बारे में मुझे पता है और सीडी मुझे निकालना है, एक चीज मुझे पता है और दूसरी मुझे निकालनी है, तो इसलिए मैंने साइन 60 का लगाया। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, √3/2, BC कितना है 3.7 और CD हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे CD √3 हो जाएगा और 3.7 into 2 हो जाएगा।
तो सीडी किस कितना आएगा, 3.7 × 2 अपॉन √3। तो सॉल्व करते हैं, 3.7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे और डिवाइड करेंगे √3 से। ठीक है, √3 की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है 1.73, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा 3.7 × 2 अपॉन 1.73। ये सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिलेगा 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं आता ये, अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। जैसे हमने सीडी यानी कि लैडर की लेंथ को निकाला है सीडी को, इसी तरीके से अब हमें बीडी भी निकालना है। तो अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को देखें, मेरे पास परपेंडिकुलर है और मुझे बेस निकालना है, ये बेस हो गया ना एंगल के लिए, एंगल 60 डिग्री के लिए बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला बनता है आपको देखना पड़ेगा। फिर से बीसीडी ट्राइंगल, अब मैं लगा रहा हूँ 10 60 डिग्री, क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3.7 अपॉन BD। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन BD। इसको आगे सॉल्व करो तो BD ऊपर चला जाएगा और √3 डिवाइड में आ जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है, क्वेश्चन में दी हुई है 1.73, इसको हम डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2.14 मीटर। क्लियर, ये दोनों हमारे से पूछे गए थे क्वेश्चन में, तो ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड एग्जांपल। देखिए थर्ड एग्जांपल में कह रहे हैं एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर है, हमें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। एक ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया कि ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, इसको नाम दे देते हैं ए बी। आगे कह रहे हैं इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, एक चिमनी है, ये रही चिमनी हमने बना लिया। ठीक है, एक चिमनी हो गई, इससे जो है 28.5 मीटर अवे है, यानी कि चिमनी से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 28.5 मीटर। ठीक है, इस चिमनी का नाम दे देते हैं सीडी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां से ऑब्जर्वर की आई से चिमनी के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, यानी कि इसको अगर ये देखेगा यहाँ पर चिमनी को तो 45 डिग्री बनेगा। लेकिन एंगल ऐसे नहीं बनता, एंगल के बेस भी चाहिए होता है, तो हम बेस अपने आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना एंगल दिया हुआ है, 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी यानी कि सीडी, इस पूरी सीडी की हाइट बतानी है आपको। यहाँ पर कुछ मान लेते हैं सीई मान लेते हैं। ठीक है, सीई और ईडी पूरी बतानी है आपको, तो चिमनी आ जाएगा सीडी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट दी हाइट ऑफ दी ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर। ऑब्जर्वर की हाइट हो गई 1.5 मीटर, चिमनी क्या हो गई, लेट दी हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी को हमने मान लिया सी डी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ऊपर वाला ए सी ई। मैं ए सी ई ट्राइंगल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वैलिड ही सिर्फ ट्राइंगल के लिए है, और ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री दिया हुआ है। देखो ये लिख के नहीं देंगे, चिमनी हमेशा स्ट्रेट होती है, ऑब्जर्वर हमेशा स्ट्रेट होता है, तो ये सब 90 डिग्री खुद से बनते हैं। ठीक है, तो ऊपर मेरे को ट्राइंगल दिख रहा है। अब देखिए ये सामने 28.5 दिखाई दे रहा होगा, इसके ठीक सामने ये भी 28.5 होता है। ठीक है, ये 1.5 है, तो इसके ठीक सामने ये भी कितना होगा, 1.5 होगा। तो ये चीज तो मुझे मिल गई है, बस मुझे सीई और ढूंढना है, तो मैं चिमनी की हाइट को इजीली बता सकता हूँ सीई प्लस ईडी करके। तो देखिए इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए सी ई। यहां पर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास बेस दिया हुआ है, मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर और बेस में एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, 10 45 डिग्री। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने 10 45 लगाया कि कॉट 45 भी तो लग सकता था। हाँ कॉट 45 भी लग सकता है, यहाँ पर आप 10 45 लगा लीजिए। परपेंडिकुलर यानी कि सीई अपॉन एई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सीई हमें पता नहीं है, एई कितना है, 28.5। 10 45 की वैल्यू सभी जानते होंगे बहुत ही इजी होती है, 1।
वन इज इक्वल टू सीई अपॉन 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीई कितना आ जाएगा हमारे पास 28.5 मीटर। सीई फाइंड कर लिया। अब देखो हमें क्या बताना था, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी बतानी थी और वो बहुत ही सिंपल। हाइट ऑफ द चिमनी कैसे बताएंगे, हाइट ऑफ चिमनी हमने माना था सी डी। सी डी निकालने के लिए सीई हमने फाइंड अभी कर ही लिया है और ईडी हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, ये हमने बताया 28.5 और ये हमें क्वेश्चन में दिया था 1.5, तो ये कितना हो गया, दोनों को ऐड करो 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी कितनी आ गई, 30 मीटर इज द आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।